अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ, घर में जरा सी अनबन हो गई थी जिसकी वजह से वो नाराज है, लेकिन चाहे वो कितना भी नाराज हो, वो घर छोड़कर नहीं गया कभी भी। इसीलिए कुछ पता लगे तो बता जरूर देना। ओके। अरे बेटा, तुम कब आए? तो डीके चाचू को ढूंढना जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने उसके दोस्त के यहाँ फोन किया था, लेकिन वो वहां भी नहीं है। डीके पिछले 8 दिनों से घर नहीं आया है, मुझे अब उसकी चिंता होने लग गई है। मॉम, आप भी ना, आप हमेशा उन लोगों के बारे में परेशान होती हो जो हमारे खिलाफ जा चुके हैं। शायद आज सुबह के ड्रामे के बाद आपको सरला चाची पर रहम भी आया होगा, है ना? शायद अब उनके लिए आपके विचार भी बदल गए होंगे कि सल्ला चाची हमारे परिवार के लिए अपना खून बहा सकती है, अपनी जान दे सकती है। क्यों मॉम? बेटा, सल्ला इस घर के लिए क्या कर सकती है, ये समझने के लिए मुझे आज सुबह के छुरी वाले इंसिडेंट की जरूरत नहीं है। वो पहले भी कई बार ये मिसाल दे चुकी है कि वो इस घर के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो करती आई है। तुम तो इन सबको अब देख रहे हो ना, लेकिन डीके, पंकज, सरला, ये सब तो तुम्हारे और तुम्हारे राज के साथ तुम्हारे बचपन से हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? बेटा, जिन लोगों ने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है, हमेशा हमारा साथ दिया है, उन पर शक करना थोड़ा मुश्किल है। Ridiculous, Mom. Seriously, ridiculous. मैं बस एक बात कहूं, ठीक है चाचू, सल्ला चाची, इन सब ने मेरे लिए, इस घर के लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी, वो सब पास्ट था, पास्ट। लेकिन आज अगर मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ वृंदा है। वो मां बनने वाली है मॉम, ये बात उसने सबके सामने कहकर मेरे मेरे सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदल दिया है। मुझे सबके सामने मर्द होने का एहसास क्या होता है, वो एहसास भी दिलाया मुझे मॉम उसने। पता है मॉम, आज मेरे कॉलेज के कोई दोस्त आए थे और वो मुझे बार बार बधाइयां दे रहे थे कि मैं बाप बनने वाला हूं। मैं इतना खुश हूं मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता। I'm so happy. I can't tell you. लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि आपके डीके चाचू, सरला चाची, ये सब मेरी खुशी को मुझसे छीनना चाहते हैं। आप खुद ही देखो ना मॉम, पहले डीके चाचू हाथ धो के वृंदा के पीछे पड़ गए थे, और अब सरला चाची। एनीवे, मैं आपसे ये सब बात करने नहीं आया था मॉम। मैं तो बस इतना कहना आया था कि जो हुआ सो हुआ, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन इसके आगे मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी वृंदा के खिलाफ एक भी शब्द कहे, कोई भी हरकत करे, क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी है। वृंदा इज माई लाइफ। और अब ये बात आप अपने चहेतों के दिमाग में अच्छी तरह से डाल दे तो सबके लिए बेहतर होगा, सबके लिए। वाह संध्या, युवराज तो पूरी तरह से तुम्हारे जाल में फंस गया। ये तुम्हारा नकली बच्चा उसे बाप बनाए या ना बनाए, पर अब तुम्हें इन सब का बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम गलत समझ रहे हो युवराज, कोई वृंदा के खिलाफ क्यों? चांदी की डाल पर सोने का मोर ताक झाक ताक करे। वृंदा, क्या बात है? सरला चाची, तुम इधर ही चाहे,
अरे अपन तुम्ही को ढूंढ रहा था। ओ सुबह सुबह हाथ पीत काट लिया ना, हाल चाल पूछना मांगता है। काय को खाली पीली हाथ काट लिया तूने? वो वहनी साहब, मैं आपके कमरे में आई थी तो आप फोन पर बात कर रही थी, टीके के बारे में पता कर रही थी ना, तो मैंने सोचा आप इतनी टेंशन में है तो क्यों आपको डिस्टर्ब करूं, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। आपसे बात करने ही लगी थी कि युवराज आ गया और फिर आप दोनों की डिस्कशन शुरू हो गई। मैं बस यही बताने आई थी कि मैं अब ठीक हूं। और मेरा हाथ भी ठीक है, चलती हूं। आपका अभी यही कहना है मॉम कि सरला चाची ऐसी नहीं है? चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी वो। चल, अब अमोम नहीं चलती है। वो क्या ना इसी को ढूंढ रही थी, अपने कमरे में नहीं थी, मेरे को लगा इधर ही होगी। अभी देख जिसको ढूंढा गली गली वो तेरे सोफे में मिली। हालचाल ही बता दिया, अपन कल थी चांदी की डाल पर सोने का मोर। सरला, सुनीता, पता नहीं क्यों कि तुम दोनों अब भी मेरी किसी बात से नाराज हो। मैं चाहती हूं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ तुम उन सब बातों को भूल जाओ, इस घर की शांति के लिए। तुम दोनों इस घर का अहम हिस्सा हो, जागीरदार परिवार की बहुएं हो, और तुम दोनों की खुशी के बिना इस परिवार की खुशियां हमेशा अधूरी रहेंगी। अगर ऐसे ही बात है बहनी साहब, तो मैं अपनी खुशियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी खुशी तो इसी में है कि ये दो कौड़ी की लड़की वृंदा इस घर से बाहर निकाल दी जाए। बहनी साहब, तब भी, सिर्फ तब भी हमारी अधूरी खुशियां पूरी होंगी। आप चुप क्यों हो गए, बोलिए क्यों? अब कोई जवाब नहीं है क्या देने के लिए? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।